हेलो बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है, कल हमने जो बात की, हमने बॉन्ड के बारे में बात की। बॉन्ड अट्रैक्टिव फोर्स होता है दो एटम्स के दरमियान। कल मैंने आप लोगों को समझाया आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड भाई वो बॉन्ड होता है जो दो चार्जेड एटम्स के दरमियान होता है, एक कैटायन होता है, दूसरा एनायन होता है। सर, अब इस आयनिक बॉन्ड को अगर हम समराइज करेंगे, एक कैटायन होता है, कैटायन मतलब वो एटम जिसके पास पॉजिटिव चार्ज, और सर दूसरा क्या होता है, दूसरा एनायन होता है। सर एनायन किसे कहते हैं भाई? एनायन उसे कहते हैं जिसके पास नेगेटिव चार्ज हो। मिसाल के तौर पर एग्जांपल भी यहां पे याद रखते हैं। एग्जांपल में Na सोडियम, इसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, और एनायन कौन है, क्लोरीन। सर इनके बीच जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को हमने नाम दिया आयनिक बॉन्ड। आज जो हमें बॉन्ड पढ़ना है, कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में आपको एक चीज याद रखना है, आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं। जो एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसको कैटायन कहते हैं, और जो एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो एनायन बनता है। अब जो हमारा टॉपिक है, इट्स अबाउट द कोवेलेंट बॉन्ड। सर कोवेलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। मतलब अब एग्जाम्पल समझिए, हम एग्जाम्पल यहां पे लेंगे HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नाम याद है ना, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नाम याद नहीं होता, ठीक है, 10th के बच्चों को लेंगे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसको समझिए, अगर आपको कल को पूछा जाएगा HCl में कौन सा बॉन्ड है, इसमें सर आयनिक बॉन्ड है कि कोवेलेंट बॉन्ड। आप ये नहीं कह रहे सर NaCl में आयनिक बॉन्ड था तो HCl में भी आयनिक बॉन्ड है ना भाई, ऐसा ये बात सही नहीं है। अब देखिए इसको, HCl को देखिए, HCl में कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, शाबाश। मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं सर? इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। कितने प्रोटॉन? 1 प्रोटॉन। अब सर इसका एटम बता, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, K में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? सर K में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, लेकिन K में कितने पहुंचते, कल भी मैंने पढ़ा, K शेल है भाई, K शेल है। जैसे हमने 9th में पढ़ा था बोल्स मॉडल की बात, K शेल, L, K, L, M, N, ये शेल्स है, ठीक है, डिफरेंट, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अच्छा सर K में कितने इलेक्ट्रॉन्स पहुंचते हैं? K में 2 इलेक्ट्रॉन्स पहुंचते हैं, लेकिन हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। अगर हाइड्रोजन ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके पास तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा ना, इसका मतलब हाइड्रोजन ये वाला इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनेगा? अब देखिए यहां पे हाइड्रोजन क्या करता है, यहां से क्लोरीन है, क्लोरीन को कल भी हमने समझा, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर, सर क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। मतलब सर इसका मतलब ये है इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन है, 17 प्रोटॉन है, ठीक है। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, चलो जी सर K में कितने जाएंगे, K, L, M, पहले समझिए। सर K में चले जाते हैं 2, L में कितने पहुंचते हैं 8, M में कितने पहुंचते हैं 8। अब समझिए यहां पे M का मतलब है बाधा, आपको कल समझाया था। 17 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स किसको जाएंगे? सबसे पहले 17 में से 2 इलेक्ट्रॉन K के पास जाएंगे, बचे वहां पे 15 में से 8 को ले जाएगा L, बचे वहां 7 को ले जाएगा M। तो M को कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? एक, आउटर मोस्ट शेल। मैंने कल भी कहा था आप लोगों को आउटर मोस्ट शेल याद रखें, बॉन्डिंग समझनी है ना, आउटर मोस्ट शेल को याद रखो। अगर आउटर मोस्ट शेल को याद रखो ना, बॉन्डिंग बहुत आसान है। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? M में पहुंचते हैं 8, इसके पास कितने, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? एक, तो हमें एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब हाइड्रोजन और क्लोरीन को देखिए, देखिए मैंने आपको कल कहा था आउटर मोस्ट शेल, इसको याद रखिए, ये है आउटर मोस्ट शेल, इसको पकड़िए, याद रहा हाइड्रोजन का ये आउटर मोस्ट शेल। मैं फिर से यहां पे लिख रहा हूं आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब देखिए अब हम इसको कैसे बनाते हैं,
किसको पकड़ना है? आउटर मोशन। इसका मतलब मुझे ना के साथ कुछ करना है ना ही एल के साथ कुछ करना है, मुझे जो कुछ करना है एम के साथ करना है। आउटर मोशन को प्लीज एंड प्लीज, ठीक है, आप इसको याद रखिए के में ये इसका आउटर मोशन के है। हाइड्रोजन ये क्लोरीन है, यहां से भाई बताइए कौन से इलेक्ट्रॉन्स मुझे लेने हैं। क्लोरीन से समझिए, मुझे ये वाले लेने हैं कि आउटर मोशन? सर आपको आउटर मोशन के इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, चलो ठीक है आउटर मोशन। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स इसके पास? सात। कितने भाई? सात। उन सात को हम ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, सात बार यहां से रखेंगे। मैंने क्लोरीन के जो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स है ना उनको खाली लिया, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स को नहीं लेना है भाई। अगर आप लोगों ने ये बात समझी ना तो आप लोगों को कोवलेंट बॉन्ड आराम से आएगा। सर आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को लीजिए, यहां पे लिख रहा हूं आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को लेना है। सर क्लोरीन के साथ इलेक्ट्रॉन्स है 2 4 6 और 7, बात समझ आए। उसके बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है वो यहां से रखिए। क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां पे रख रहा है बीच में, हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन यहां पे, ये दोनों कह रहे भाई हम एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, आप एक इलेक्ट्रॉन दीजिए मैं भी एक इलेक्ट्रॉन दूंगा, मैं भी एक इलेक्ट्रॉन दूंगा। दोनों को बीच में रखेंगे, जितना हक आपका है उतना हक मेरा भी है, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपके भी है ये दोनों इलेक्ट्रॉन मेरे भी है, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो रहा है खाली शेयर हो रहा है। हाइड्रोजन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, क्लोरीन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करे बल्कि शेयर करे। अब ये जो क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन ये किसका है? क्लोरीन का। डॉट वाला इलेक्ट्रॉन ये किसका है? हाइड्रोजन। बात समझ में? क्या ये ट्रांसफर करे? नहीं, मैं यहां पे लिख रहा हूं नो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर नो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो तो क्या हो रहा है? सर शेयर हो रहा है, यहां पे लिखते हैं सर शेयरिंग। आउटर मोस्ट शेल याद रखना, ठीक है? तो क्लोरीन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, जिसकी वजह से अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये हाइड्रोजन के भी है, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये क्लोरीन के भी है। अब हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को अपना है, ये भी अब इसका ही है, तो कितने आ गए? दो। हाइड्रोजन को दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, तो हाइड्रोजन की आउटर मोशन कंप्लीट। बात समझ में? अच्छा क्लोरीन 2 4 6 7 और ये भी अब इसका ही है, क्योंकि मैंने आपको कहा ये शेयर होते हैं, जो आपका है वो मेरा भी है। तो क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? सर क्लोरीन के पास भी अब एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसका जो आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीट हो गया, वो क्या हो गया? कंप्लीट। इस बॉन्ड को जिसमें इलेक्ट्रॉन शेयर होते ना कि डोनेट होते, इस बॉन्ड को हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। जिस बच्चे ने कोवलेंट, सर कोवलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं? कोवलेंट बॉन्ड बेटा मतलब एक ऐसा बॉन्ड जिसमें दो एटम्स बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, ठीक है, जिनकी वजह से बॉन्ड बनता है। यहां तक किसी को सवाल अच्छे से समझ आया? आगे बढ़ो तो HCl में कौन सा बॉन्ड है? इज इट आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड? सर इज इज कोवलेंट बॉन्ड। अच्छे से आगे बढ़े, चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर, अब मिसाल तो अब इस टाइप्स दो कोवलेंट बॉन्ड हो गए, अब कोवलेंट बॉन्ड की टाइप्स देखिए। सर टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड मैं डायग्राम पे समझाऊंगा। सर अगर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन देगा, एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन दे? एक। दूसरा एटम भी एक ही इलेक्ट्रॉन देगा, वो कोवलेंट बॉन्ड जिसमें दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे उसको कहते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। उसको क्या कहते हैं बेटा? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। यहां तक क्लियर? अच्छे से आगे बढ़ो तो HCl में कौन सा बॉन्ड है? ऑब्वियसली क्लोरीन भी एक ही इलेक्ट्रॉन दे रहा है, हाइड्रोजन भी कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है? एक। तो ये सिंगल है कि डबल? सर ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। अब दूसरा, सर जिसमें एक एटम दो इलेक्ट्रॉन देगा, एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है? दो। डोनेट नहीं कर रहा, शेयर कर रहा है। दूसरा वो भी दो इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहा है,
सर इस वाले कोवलेंट बॉन्ड को हम कहते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड या कहते हैं डबल बॉन्ड। बात समझ में आई अच्छे से? चलो जी आगे बढ़ते हैं। सर डबल कोवलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं? डबल कोवलेंट बॉन्ड का मतलब हो गया भैया जब एक एटम दो इलेक्ट्रॉन देगा दूसरा भी दो इलेक्ट्रॉन देगा उसको डबल कहते हैं। सिंगल किसे कहते हैं? सिंगल का मतलब एक एटम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करे शेयर करेगा दूसरा एक इलेक्ट्रॉन। नाउ कम्स द टॉपिक ट्रिपल कोवलेंट। अच्छा पहले डबल की मिसाल सीखते हैं। सीखिए डबल कोवलेंट बॉन्ड की मिसाल। चलो जी लास्ट में सीखते चलो साथ में सीखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड मिसाल बहुत सिंपल है दिमाग रखना। कार्बन डाइऑक्साइड एटॉमिक नंबर पे सारी चीजें लिखनी है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 के में कितने जाएंगे 2 एल में कितने जाएंगे 4। बात समझ में? अब किसको पकड़ना है आउटर शेल को इनर शेल को? मैंने यहां पे लिखा है किसको पकड़ना है आउटर शेल को पकड़ना है। तो चलो जी ये आउटर शेल हो गया कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास 4। तो यहां पे मैंने कार्बन डाइऑक्साइड का ये इसके 4 इलेक्ट्रॉन है समझे। इनर शेल के साथ कुछ नहीं करना है। अब ऑक्सीजन ऑक्सीजन हम यहां पे लिखेंगे ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन को लिखेंगे फिर दो का लिखेंगे खुद एटॉमिक नंबर 8 के में कितने जाएंगे 2 एल में कितने जाएंगे 6। बात समझ में? अब इसका आउटर शेल कौन है बेटा? सर इसका आउटर शेल एल है तो इसके आउटर शेल को यहां पे लिखते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल में 6 कितने भाई 6 जरूरत कितने हैं एल में पहुंचते हैं 8 इसको कितने चाहिए फिर 2। पहले लिखते हैं ये एक ऑक्सीजन हो गया इसके 6 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 यहां से 2। बात समझ में आई? चलो जी एल में कितने पहुंचते 8 इसके पास कितने हैं 6 तो इसको कितनों की जरूरत है 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है इसे। अब सर देखिए यहां पे एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है 2 कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है ऑक्सीजन भी यहां से कितने इलेक्ट्रॉन दे रहे 2 तो ये बन गया डबल बॉन्ड। देखो आराम से सुनो पहले इस ऑक्सीजन के बारे में देखो इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत थी इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स मतलब इसका ऑक्टेट बाहर का कंप्लीट होना चाहिए। ये हो गए इसके 2 ये हो गए 2 हो गए 4 हो गए 6 ये भी अब इसके अपने हैं हो गए 8 एल में 8 पहुंचते वो हो गया इसका कंप्लीट। बात समझ में आई? अब दोस्तों ऑक्सीजन यहां से उस ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां से 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां से 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां से। तो सर बताइए देखिए पहले इस ऑक्सीजन के बारे में आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स लिख रहा हूं बेटा बात समझना 2 4 6 अब ये दो भी इसके अपने हैं तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। बात समझ में? अब कार्बन की बात करते हैं 2 और 4 6 और 8 क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन भी इसके है ये इलेक्ट्रॉन भी इसके है इट मीन शेयरिंग ये हो गई डबल बॉन्ड की एग्जाम्पल। बात समझ में? सो कार्बन डाइऑक्साइड में कौन सा बॉन्ड है डबल बॉन्ड। अब गलत नहीं करना एग्जाम में एग्जाम में अगर आया कि भैया कार्बन डाइऑक्साइड में कौन सा बॉन्ड है सर इट इज अ डबल बॉन्ड। HCl में कौन सा बॉन्ड है आयनिक की कोवलेंट सर इट इज कोवलेंट बॉन्ड। चलो जी आगे अब नेक्स्ट एग्जाम्पल आप लोगों ने एग्जाम्पल 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा और दूसरा एटम भी 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा सर वो एक ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जिसमें एक एटम 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और दूसरा एटम भी 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उस बॉन्ड को हम कहते हैं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। उसको क्या कहते हैं बेटा सर उसको हम कहते हैं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो ए बी इट इज अ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड का मतलब है
एक ऐसा बॉन्ड जिसमें एक एटम तीन इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, दूसरा एटम भी तीन इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है। यहां तक क्लियर? अच्छे से चलो जी, अब हमें जो एग्जांपल सीखनी है ट्रिपल बॉन्ड की एग्जांपल हमें सीखनी है। अच्छा एक चीज मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं, ये जो है ना डॉट स्ट्रक्चर, मतलब हम बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं डॉट और क्रॉस से, इसको कहते हैं लिविस स्ट्रक्चर। जी एन लिविस साइंस का नाम था, एक केमिस्ट थे जिन्होंने ये कहा कि उन्होंने इस तरीके से कोवलेंट बॉन्ड हमें समझाया था। तो अगर आपको एग्जांपल में आए एग्जाम में आएगा कि आप लिविस स्ट्रक्चर ड्रा कीजिए, आपको बॉन्ड को रिप्रेजेंट करना है डॉट और क्रॉस से। खाली ये एक बार और कहता हूँ, खाली आप लोगों को आउटर इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं, न कि इनर इलेक्ट्रॉन्स के साथ आपको कुछ भी काम नहीं करना है। अब लास्ट एग्जांपल दैट्स अबाउट एबी ट्रिपल बॉन्ड हमें सीखना है कि सर ट्रिपल बॉन्ड किसे कहते हैं। मैं आप लोगों को यहाँ समझाता हूँ कि ट्रिपल बॉन्ड किसे कहते हैं। सो बी कॉन्सेंट्रेटेड टू द लेक्चर, उतना बड़ा मसला नहीं है, बहुत सिंपल है सर। आप लोगों ने N2 का नाम सुना होगा, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। एटॉमिक नंबर पे फिर से मैं इसको सॉल्व करूंगा, एटॉमिक नंबर अपना स्ट्रॉन्ग कीजिए सर। N एक, ये हो गया एक N, ये हो गया दूसरा N। चलो भाई अब हमें सीखना है ट्रिपल बॉन्ड के एग्जांपल, उसके बाद हम मीथेन पे आएंगे, लेक्चर खत्म। सर ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में हमें क्या सीखना है? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में एक एटम तीन इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है, ना कि डोनेट करता है। डोनेट वाला सिस्टम जो है ना वो आयनिक बॉन्ड का है। एक एटम जब तीन इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो दूसरा एटम भी तीन इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। मिसाल के तौर पर ए ने यहाँ पे तीन इलेक्ट्रॉन शेयर किए, बी ने भी कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए, तीन। तो बॉन्ड जो बनेगा वो बनेगा कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। अब मिसाल एग्जाम्पल नाइट्रोजन, N2 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की एग्जाम्पल हमें सीखनी है। एटॉमिक नंबर्स में स्टार्ट करूंगा, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप ही बताएं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, उतना बड़ा मसला नहीं है। चलो जी सर, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, अब पकड़िए 7 का मतलब क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन 7 प्रोटॉन। चलो जी सर, 7 इलेक्ट्रॉन 7 प्रोटॉन। उसके बाद सर अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखिए, के में 2, एल में 5। ठीक है, अब कोवलेंट बॉन्डिंग में किसको पकड़ना होता है, चाहे आयनिक बॉन्ड पढ़ो या कोवलेंट बॉन्ड पढ़ो, हमेशा आउटर शेल को पकड़ो। कौन है आउटर शेल? के है कि एल है? सर एल है। चलो जी इस आउटर शेल को पकड़ेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5। कितने हैं? 5। अब अरेंजमेंट देखिए, यहां से 2, यहां से 3, इस नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स यहां से, यहां से। मतलब नाइट्रोजन, ये वाला नाइट्रोजन एटम है, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहा है, ये वाला नाइट्रोजन एटम 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। अब देखिए सर, वहां बॉन्ड बन गए, 3 लाइन से हम इसको डोनेट करते हैं। ठीक है, डबल कोवलेंट बॉन्ड को हम 2 लाइन से डोनेट करते हैं। सर अब देखिए, अब हम देखते हैं कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ कि नहीं। ऑक्टेट का मतलब है एल में बराबर 8 इलेक्ट्रॉन्स आए कि नहीं, वो देखिए। इस नाइट्रोजन, पहले इस नाइट्रोजन की बात करते हैं, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3। ये भी अब इसके शेयर हुए हैं, जो 13 है वो मेरा है। ठीक है, 3 और 3 हो गए 6, और ये 2 कितने हो गए? 8। हाँ सर, इसका ऑक्टेट बराबर हो गया। अब इस वाले की 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, तो ये हो गया भाई, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। इसे कहते हैं हम ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। अब लास्ट टॉपिक जो आप लोगों को है, इन सारों को कहते हैं लिविस स्ट्रक्चर, प्लीज कीप इट इन माइंड। ठीक है, इनको लिविस स्ट्रक्चर कहते हैं। अब जो लास्ट टॉपिक हमें पढ़ना है उसे हम मीथेन कहते हैं सर।